अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू विजी मेंटर। आज मैं आप सब लोगों के लिए लेकर आया हूँ CS 101 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर का लेक्चर नंबर 10, जो मॉड्यूल नंबर 10। देखें, अब इस लेक्चर नंबर 10 का मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूँ कि इस लेक्चर नंबर 10 में या मॉड्यूल नंबर 10 में हम लोग डिस्कस क्या करने वाले हैं। इस मॉड्यूल नंबर 10 में हम लोग ये डिस्कस करेंगे रूट्स ऑफ कंप्यूटर, मतलब पहला कंप्यूटर कौन सा बना था, कैसा बना था, फिर दूसरा कौन सा बना, फिर तीसरा कौन सा बना, फिर चौथा कौन सा बना। देखें, सबसे पहले जो कंप्यूटर बना था वो अबेकस बना था, ठीक है। फिर उसके बाद उसका क्या कह रहा है कि ये टेक्नोलॉजी गियर अप कैसे हुई, ठीक है। फिर पंच कार्ड्स आए, ठीक है जी। फिर आईनेक आया, जो दुनिया का सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर था। फिर रैपिड एडवांसमेंट इसमें आई, इस टेक्नोलॉजी में आईनेक आने के बाद, ठीक है। ये वो सारी चीज़ें डिफरेंट थोड़ी बहुत कंसाइज हैं, मैं इनको डिस्कस करने की कोशिश करूँगा और कोशिश करूँगा कि आपके लिए ये लेक्चर शॉर्ट बने और जल्दी ख़त्म हो जाए। तो चले हैं जी, शुरू करते हैं लेक्चर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कैंडली सब्सक्राइब कर दें और पास है बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कर दें। प्लस अपनी राय का इजहार कमेंट में लाजमी कीजिएगा। अगर किसी ने ऑनलाइन क्लासेज लेनी है तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में है, मुझे वहाँ काइंडली मैसेज करके ज़रूर बताइएगा अगर किसी ने पढ़ना हो तो, ठीक है जी। आ जाए जी लेक्चर की तरफ। ठीक है, रूट्स ऑफ कंप्यूटर, रूट्स ऑफ कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर शुरू कहाँ से हुआ था, ये टेक्नोलॉजी ईजाद कैसे हुई थी, ठीक है, किस तरह ईजाद हुई थी। अब ये कह रहा है कि कुछ मैकेनिकल चीज़ें थी, उनको ड्रिवन किया इलेक्ट्रॉनिक्स ने, फिर वहाँ से कुछ ईजाद हुआ कंप्यूटर। अब अबेकस, ठीक है, अब अबेकस क्या था, दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर, ठीक है, ये अबेकस था। हिस्ट्री बताती है कि ये बहुत ही बड़ा कंप्यूटर था और ये पहली बार ग्रीक एंड रोमन सिविलाइजेशन ने इस्तेमाल किया था, ठीक है। इट वाज क्वाइट सिंपल, कंसिस्टिंग ऑफ बीड स्टंग्स एंड रॉड्स, ठीक है, ये कुछ बीड स्टंग्स एंड रॉड की मदद से ये कंप्यूटर बनाया गया था। अच्छा जी, समझ आ गया, इसको आपने थोड़ा रीड कर लेना है, मैं डिस्कशन में नहीं जाऊँगा, मैं ज़्यादा ब्रीफ में नहीं जाऊँगा, आपने थोड़ा एक बार रीड लाजमी करना है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट ये बहुत ज़्यादा है। टेक्नोलॉजी ऑफ गियर्स, अब ये का है टेक्नोलॉजी यहाँ से कैसे ग्रो हुई, टेक्नोलॉजी ने यहाँ से अपना पहला कदम कैसे रखा, ठीक है। फर्स्ट पीरियड ऑफ मिडिल एज बिफोर अ मॉडर्न एरा, ठीक है, कह रहे हैं कि मोर स्पेसिफिकेटेड कंप्यूटिंग मशीन वॉज सीडेड, ठीक है, उनके बीज बोए जा चुके थे। फ्यू इन्वेंटर बिगेन टू एक्सपेरिमेंट विद टेक्नोलॉजी ऑफ गियर्स, ठीक है, गियर्स पढ़ने बाद एक ही है, मतलब बहुत सारे जो इन्वेंटर थे उन्होंने डिफरेंट किस्म के एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिए थे। अब ये ब्लेस पास्कल था जी, 1623 से 1662 तक फ्रांस का एक साइंटिस्ट था, उसने फिर किए थे एक्सपेरिमेंट। फिर गॉडफ्रीड विलियम लेबनेस, ये था इसके आप इसने एक्सपेरिमेंट किए थे। इनकी आपने डेट ऑफ बर्थ एंड डेट ऑफ डेथ याद रखनी है, प्लस नेम भी याद रखना है, ये लाजमी है, ठीक है। फिर जर्मनी का था, फिर चार्ल्स बैबेज था, ठीक है, फ्रॉम इंग्लैंड, 1792 से 1871 तक। अब ज़्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर, कुछ लाम चोड़ नहीं है, आपने करना क्या है कि इसको बस थोड़ा एक बार रीड कर लेना है, ठीक है। इसमें MCQs आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, आपने इसको लाजमी रीड करना है। देन आ जाएंगे पंच कार्ड्स क्या होते हैं। अब डेटा स्टोर करने के पंच कार्ड पहले होता क्या था, मैं आपको ये सिंपल कंसेप्ट दूँ, पंच कार्ड पे डेटा जो था स्टोर किया जाता था, ठीक है। अब आपने डिफरेंट किस्म के कार्ड्स देखे होंगे, वहाँ डेटा उस दौर में कार्ड्स पर डेटा, पंच कार्ड्स पर, ये मेडिकल सॉरी मेटल के कार्ड होते थे, उन पर ये डेटा स्टोर होता था पंच कार्ड पर, ठीक है। ये कंसेप्ट कहाँ से आया था जी, हेरमन हॉलीरथ ने 1860 to 1929 तक ये इनकी लाइफ थी, इन्होंने एक रेवोल्यूशनरी कदम उठाया था इन द फील्ड ऑफ आईटी, इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटिंग। इन्होंने पंच कार्ड बनाए थे 1890 में US में, ठीक है, और इसी वजह से इनकी हॉलीरथ की वजह से IBM क्रिएशन हुई थी, मतलब जो IBM की बुनियाद थी वो हॉलीरथ की वजह से हुई थी, ठीक है। अब वो कार्ड हमें मिल नज़र नहीं आते, लेकिन उस वक्त ये बहुत ही पॉपुलर कार्ड थे, बात समझ आ गई। आपने इसको थोरली रीड कर लेना है, इसमें से MCQs आएंगे। अब मैकेनिकल ड्रिवन टू इलेक्ट्रॉनिक ड्रिवन मशीन, मतलब जो मैकेनिकल मशीन्स थी उनको इलेक्ट्रॉनिक मशीन में कैसे लाया गया। अभी कह रहे 19th century में टेक्नोलॉजी वाज एनेबल्ड टू प्रोड्यूस कॉम्प्लेक्स गियर ड्रिवन मशीन ऑफ पास्कल लेबनिस एंड बेबेज कॉस्ट इफेक्टिवली,
ये कह रहा है कि जो 19th century में जो टेक्नोलॉजी थी वो कम्प्लेक्स इनको यूज़ करना मुश्किल था थोड़ा सा, बट एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स इन अर्ली 90s दिस बैरियर वॉज ओवरकम। मतलब क्या कह रहा है कि मैकेनिकल जो मशीन्स थी उनको यूज़ करना मुश्किल था, लेकिन अर्ली 90s में ये बैरियर भी ओवरकम हो गया, ये भी ख़त्म हो गई। मैं अगर डिटेल में नहीं जाऊँगा, मैं कंसेप्ट बताऊँगा थोड़ा सा। फिर कह रहा है कि जी 1940 में बेल लेबोरेटरीज में मार्क वन बना, आवर्ड मार्क वन, ठीक है, और 4 साल लगे इसको 1944 तक ये बनता रहा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में बाय हार्वर्ड एकिन ग्रुप ऑफ आईबीएम इंजीनियर्स। ये आपने लाजमी याद करना, ग्रुप ऑफ आईबीएम इंजीनियर्स, ठीक है, उन्होंने ये जी हार्वर्ड मार्क वन बनाया था, ठीक है। दिस मैकेनिकल वॉज मेड हैवी यूजर इलेक्ट्रॉनिकली कनेक्टेड मैकेनिकल रेज। क्या था? इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल था मैकेनिकल रिलेस से, रिलेस तो समझ आती होगा आपको। अब नीचे आ जाए आईनेक पे, ये जी उस टाइम का मोस्ट एडवांस कंप्यूटर था। अब इस स्टैंड फॉर क्या, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन एंड कोलोकेशन, इसकी जो है एब्रिवेशन याद करनी है आपने। जॉन मकले ने बनाया था जी, एंड जॉन एक मिनट यार जॉन मकले ने बनाया था एंड जॉन प्रिस्पर एरिक ने, ठीक है, एट मोरे स्कूल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। कहाँ पे? मोरे स्कूल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये आपने लाजमी याद रखा है, ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ, ये आप देखें उसकी पिक है जी, ये जी फैक्ट शीट ऑफ आईनेक, इसमें था क्या, ऑक्यूपाइड 1800 square feet जगह घेरते था, इसके अंदर 20,000 वैक्यूम ट्यूब्स थी, 1500 रिलेस थी, 10K कैपेसिटर, 70K रजिस्टर्स, 20 kW इलेक्ट्रिसिटी, वेट 31 पढ़ लेंगे, ये आपने थोड़ी पढ़ लेना है इसको लाजमी, ठीक है। ये MCQs में लाजमी आएंगे। रैपिड एडवांसमेंट, रैपिड क्या जी, जल्दी से एडवांसमेंट आना। अब ये कह रहे हैं रैपिड एडवांसमेंट क्या हुई, मेंशन ऑफ आईनेक वॉज द रैपिड एडवांसमेंट। आईनेक की जो आईनेक की इन्वेंशन थी वो रैपिड एडवांसमेंट थी। क्या हुआ जी, ट्रांजिस्टर आ गए, इंटीग्रेटेड सर्किट आ गए, साइज रिड्यूस हो गया, प्रोसेसिंग पावर डबलिंग इन 2 ईयर। डेस्कटॉप कंप्यूटर स्टीव जॉब्स एंड स्टेफन वोजनिक इन 1976, आईबीएम लॉन्च पीसी इन 1981, वेब एंड स्मार्टफोन। ये तो बहुत बात की बात है। ये था मॉड्यूल नंबर 11, उम्मीद है आप सब लोगों को पसंद आया होगा।